बंद रहेगा, बंद रहेगा बाजार, बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। रांची में नियोजन नीति को लेकर छात्र संगठनों ने आज झारखंड बंद बुलाया है। बंदी का असर देखने को मिल रहा है। पूरे शहर में सुबह से ही सन्नाटा फंसा हुआ है। छात्रों का हुजूम सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर रहा है। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी है। शहर के सबसे व्यस्ततम बस स्टैंडों में शुमार कांटा टोली स्थित खादगढ़ा बस स्टैंड पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। सभी तरह के आवागमन पर आंदोलनकारियों ने रोक लगा दी गई है। बंदी को देखते हुए कई छोटे बड़े स्कूल आज बंद रहेगी। बंदी को लेकर छात्र पूरे शहर में गोलबंद हो रहे हैं, जिससे कि पूरे झारखंड में बंदी का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची के मोरहाबादी के साप्ताहिक हाट को बंद कराने का प्रयास किया, परंतु पुलिस ने उन सबको खदेड़ दिया। इसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस तथा प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर मौजूद है तथा हर एक जगह पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। सीसीटीवी से जगह पर निगरानी की जा रही है। के द्वारा एक बंदी का आह्वान किया गया था, उसको लेकर के प्रशासन और पुलिस के द्वारा पूरी तैयारी की गई थी। और पूरे रांची जिले में अगर हम लोग बात करें, खास तौर पर शहरी क्षेत्र में, रांची शहर के अंदर और जिले के अन्य हिस्सों में भी लगातार गश्ती सुनिश्चित की गई है। फोर्सेस और मैजिस्ट्रेट्स की डेपुटेशन की गई है। बाइक पेट्रोलिंग पार्टीज लगाई गई हैं जगह जगह पर। जो क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं, वाटर कैनन्स हों, वज्रा वाहन हों, इन सभी साधनों की व्यवस्था की गई है। और एक तरीके से पूरी व्यवस्था मुकम्मल करने की कोशिश की गई है कि अगर किसी भी प्रदर्शनकारी, किसी भी आंदोलनकारी के द्वारा जबरान तरीके से बंदी कराने का प्रयास किया जाता है, जबरान तरीके से ट्रैफिक को बाधित करने का प्रयास किया जाता है, जबरान तरीके से दुकानों या बाज़ारों को बंद करने का प्रयास किया जाता है, तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कुछ कतिपय स्थानों पर लोग निकले थे और उनके द्वारा बंदी कराने का प्रयास किया जा रहा था, उनको समझाया बुझाया गया, तो उसके बाद वो लोग वापस हुए। कुछ स्थानों पर इस प्रकार की बात आई है जहां पर वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो उनको पुलिस को जो है मजबूरन एक तरीके से कह सकते हैं निरोधात्मक रूप से हिरासत में लिया गया है। और पुलिस 30 से ऊपर लोगों को अभी तक जिले के अंदर निरोधात्मक रूप से जो है हिरासत में लिया गया है। और बाकी लगातार पुलिस गश्ती कर रही है और आप देख रहे हैं कि आवागमन अभी फिलहाल सामान्य ही दिख रहा है। और पुलिस लगातार मुस्तैद है कि अवैध तरीके से, जबरान तरीके से, गलत तरीके से बंदी कराने का कोई भी प्रयास सफल हो। वो ठीक है, अभी तक सब कुछ सामान्य चल रहा है, कुछ विशेष इस प्रकार की बात नहीं है। लेकिन पुलिस फिर भी पूरी तरीके से सतर्क है, निगरानी रखे हुए है कि कोई भी विधि व्यवस्था को भंग न। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।